हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान फार्मासिस्ट संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सुबह 9 से 11 बजे 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। 2 घंटे तक निशुल्क दवा काउंटर बंद रहने से दवा लेने के लिए मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हुए। राजस्थान फार्मासिस्ट संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नरेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वेतन विसंगतियों को दूर करने, सभी तरह के परिलाभ देने आदि विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन तक के लिए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया गया। इस दौरान फार्मासिस्टों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। एमडीएम अस्पताल के दवा वितरण केंद्र संख्या 16, उम्मेद अस्पताल दवा वितरण केंद्र 6 एवं महात्मा गांधी अस्पताल में दवा वितरण केंद्र 3 आपातकालीन सेवाओं के लिए खुले रहे। 6 सभी अस्पताल के निःशुल्क दवा वितरण केंद्र बंद रहे। दवा काउंटर बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों की दवा लेने के लिए लंबी कतारें लग गई। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।